वेलकम टू जॉय किचन इनकी वो कतरीका प्रयाणी से रोम टेस्टा नम्बर तटक एं सैडीसूँ देव कतरीका वे सापा रोम सर मारे मसालू नम्बर वे मारे डिफ्रंटा से वांग कतरीका प्रयाणी एप्ली पाकल पड़पत वे कुर वे तालीचिकला प्रयाणी की देवान अल्व आयिल ऊतिकल ना वो इनकी 300 ग्राम अरस बासमती अरस वो अरे मण नेर ऊरण इतकूट और स्पून दे ऊतिकल इतकूट रे प्रिंज इले रे क्राबू रेलका और मराठी मक रे पट और अनाचिप कल स्पून सोबू कलपासी कोल एल ना मसाला परियणों मूणु पचमि वो नीत वेटरल मसाला ना परीज रेव नीटे नीटा कट पड़ी वजह वंगयते ना वदा इन वंगय ना वदंगे इंक ना वदा प्रयाणी ना टेस्ट कुछ इतकूट और कल स्पून मिगा तू और टेबल स्पून नरचि इंजी पू पेस्ट ना वदकल इतकूट और कईपड़ी पुदीना इप्ली कई इप्ली अलि एड़ें कट पड़ी वजह अब और कईपड़ी मल इले वदकल इन इंजी पू ना वदंगी ना आयिली कुछ ना वदकें इतकूट और टेबल स्पून चिकन मसाला नहीं कंपनिया पावल चिकन मसाला पटे नाम प्रयाणी पड़ीता सेव अदारे चिकन पड़ो मटन पड़ी कोई वद रे तक कट पड़ी वजह पटकल तकाल ना वदा इतकूट तयर ऊतिकल मूणु स्पून तयर एचिकल तो ना वदिकल मसाल ना वदिकल तक कुलेव वदको कुछ उपटकल इन मसाला ना वदंगी आयिल तेज निकाला इंक ना वदें तक ना अभी मसिच विटकें कतरीका ना वो कल को कतरीका इडल कीत वें पूछेदा तेज पूछेदा अंतमी कट पड़ी एड़ें तेल वें ना चिना चिना कतरीका कतरीका कुछ नर वदिकल कतरीका ना मसा पिटो ना वदकट अब ती ऊतिकल पर कतरीका ना वदकूट और का टम्लर तर व कतरीका ना मसाला ना वदिकल कतरीका वो पाद वेगटो पर ना वदंगे कतरीका पाद वह रोम कुलेव वेग विटी पाद वेको तिरपी नम्बर तेल ऊती अरसा पड़म वो ती ऊतिकल ना वो कपा अरस अद्कुर टम्लर ओर टम्लर ती ऊतना ओर कप नहीं कलक्री अद्क अल्कुके बासमती अरस एन और अर ऊतिकल नहीं जीरक सबा अरस वीटल साप नम्ब नार्मल समक अरसकूल अद्क वो रे वो टेबल स्पून एलमच ऊती चिना पलम और पाद पलम पाद पल ऊतें उपल कुछ उपटकल ती ना कुटो इंडी ना कुद अरस कल ती वड़ी वचर इत स्टेज उप पाते उप कार पाटे पत्ना कुछ पटकें पर ना कुद
ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். அதுக்கு அப்புறம் நம்ம மூடி போட்டுறலாம். இப்போ பாருங்க நல்லா அரிசியும் தண்ணியும் வந்து சேர்ந்து வந்துச்சு. இப்போ நம்ம தம் போட்டுறலாம். இந்த அளவுக்கு இருக்கும்போது தம் போட்டுக்கலாம். இப்போ இது கூட கொஞ்சம் புதினா மல்லி இலை அடுப்பு கம்மி பண்ணிக்கலாம். இது கூட ஒரு வாழை இலை இருந்தால் போடுங்க. போட்டிங்கன்னா நல்ல வாசனை நல்லா இருக்கும். நல்லா கழுவி வச்சுருக்கிறேன். இந்த மாதிரி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ அடுப்பை ஃபுல்லாக சிம் பண்ணிவிட்டு வெயிட் போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ஸ்டீம் எல்லாம் போயிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். திறந்த உடனே வாசம் கம கமாங்குது. கத்திரிக்காயும் நல்லா வெந்திருக்கும். கலந்து விட்டுக்கலாம். சாதமாக அடி பிடிக்காது. இதே பக்குவத்தில் வைக்கும்போது பாருங்கள் சாதமாக அடி பிடிக்கல. கத்திரிக்காயும் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு. பார்த்திங்களா நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ சுவையான கத்திரிக்காய் பிரியாணி ரெடி. இதுபோல் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.